स्टेज फोर लंग कैंसर में कीमोथेरेपी से एवरेज सर्वाइवल 8 से 12 महीने का होता है। क्या आप जानते हैं कि इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट से स्टेज फोर लंग कैंसर में भी जड़ से इलाज पॉसिबल है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, इंडिया में लंग कैंसर मेल्स का नंबर वन कैंसर है। अनफॉर्चुनेटली 80% पेशेंट में ये कैंसर स्टेज फोर पे ही पकड़ा जाता है। स्टेज फोर लंग कैंसर मतलब वो कैंसर जो कि हड्डी में, लिवर में, एड्रिनल में, दिमाग में इत्यादि फैल चुका है। तो दोस्तों, ट्रेडिशनली यदि हम बात करें, यदि हम 5-6 साल पीछे जाएं, तो स्टेज फोर लंग कैंसर का मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ही होता था। इन सब पेशेंट को मेनली कीमोथेरेपी दी जाती थी और एवरेज सर्वाइवल करीबन 8 से 12 महीने माना जाता था। परंतु आज की ईरा में बहुत सारी नई ट्रीटमेंट, नई टेक्नोलॉजी लास्ट 5-6 ईयर्स में बाहर निकली है, जिसने कैंसर का प्रोग्नोसिस बहुत ड्रामेटिकली चेंज कर दिया है। यदि हम न्यू ट्रीटमेंट्स की बात करें, ये मेनली 2 कैटेगरी में फॉल करती है, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। तो दोस्तों, टारगेटेड थेरेपी के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन दूसरे वीडियो में किया हुआ है और आप स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। परंतु आज हम बात करेंगे लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी टेक्नोलॉजी के बारे में और उससे रिलेटेड आपके सारे सवाल आंसर करेंगे, जैसे कि नंबर वन, लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी से हमारा मतलब क्या है, क्या होता है ये चीज। नंबर टू, इंडिया में लंग कैंसर के लिए किस तरह की इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है और इसको कैसे यूज किया जाता है। नंबर थ्री, क्या इम्यूनोथेरेपी से लंग कैंसर का जड़ से इलाज पॉसिबल है। नंबर फोर, PD-L1 टेस्ट क्या होता है और क्या PD-L1 से डिसाइड कर सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। नंबर फाइव, क्या इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर के हर पेशेंट में काम करती है। नंबर सिक्स, इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट या एक्सपेंडिचर क्या होता है। और नंबर सेवन, इम्यूनोथेरेपी की साइड इफेक्ट और लिमिटेशन यानी खतरे क्या होते हैं। तो एक एक करके आपके इन सारे सवालों का आंसर देते हैं। तो नंबर वन क्वेश्चन है दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी क्या होती है। तो इम्यूनोथेरेपी पे हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पे अन्य वीडियो भी पोस्टेड है जिनको आप देख के इम्यूनोथेरेपी के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। पर मोटा मोटा इम्यूनोथेरेपी कुछ नई ट्रीटमेंट्स या टेक्नोलॉजी है जो बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को ट्यूमर को अटैक करके मारने के काबिल बनाती है। यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जो ट्यूमर को इम्यून सिस्टम से छुपना या बचने को प्रिवेंट करती है ताकि बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम कैंसर को मार सके। तो इम्यूनोथेरेपी एज ए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। यूजुअली ये माइल्ड और नेचुरल तरीका है कैंसर को ट्रीट करने का। यूजुअली इस ट्रीटमेंट में साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी से कम होते हैं और यूजुअली इम्यूनोथेरेपी का फायदा बहुत लंबा होता है। जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, इम्यूनोथेरेपी से कैंसर को जड़ से भी इलाज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, अनलाइक कीमोथेरेपी, डेटा कहता है, जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है कि 20-25% पेशेंट्स में स्टेज फोर में भी इम्यूनोथेरेपी से जड़ से इलाज पाया जा सकता है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक पाथ है इस टेक्नोलॉजी की, जो कि यूजुअली दूसरी टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं है। तो जो लेटेस्ट रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जिन पेशेंट को लंग कैंसर में इम्यूनोथेरेपी मिलती है उसमें करीब 20-25% पेशेंट ऐसे हो गए जिसमें 2 साल बाद आप इलाज बंद कर सकते हो, कैंसर कभी वापस नहीं आएगा। तो ये एक मेजर एडवांटेज इम्यूनोथेरेपी का है दूसरी टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो नंबर थ्री क्वेश्चन दोस्तों ये है कि इंडिया में कौन सी इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। तो एज ऑफ 2021 जो मेन इम्यूनोथेरेपी इंडिया में अवेलेबल है उसको बोलते हैं हम चेक पॉइंट ब्लॉकर। तो दोस्तों, चेक पॉइंट ब्लॉकर कुछ स्पेशल तरह की दवाइयां होती है जो बॉडी के इम्यून चेक पॉइंट को एडजस्ट करती है। तो नॉर्मली ट्यूमर सेल को जस्ट जब इम्यून सेल इंटरेक्ट करते हैं तो एक चेक पॉइंट पाथवे एक्टिवेट होता है जो चेक करता है कि इम्यून सेल को, ट्यूमर सेल को किल करने की परमिशन है या नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ट्यूमर सेल कुछ चेक पॉइंट्स को मॉडिफाई कर देता है ताकि इम्यून सेल उसको ना मार सके और उसकी डेथ हो जाए। तो इम्यून चेक पॉइंट थेरेपीज कुछ स्पेशल तरह की थेरेपीज है जो ट्यूमर सेल और इम्यून सेल के इस इंटरेक्शन को मॉड्यूलेट करते हैं ताकि इम्यून सेल ट्यूमर सेल को पहचान सके और उसको मार सके। इंडिया में मेन 2 तरह के इम्यून चेक पॉइंट अवेलेबल है। नंबर वन है PD-1 ब्लॉकर एंड नंबर टू है CTLA-4 ब्लॉकर। और अलग अलग ड्रग का यूजेज अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग सिनेरियो में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप हमसे पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि क्या PD-L1 नाम का टेस्ट इम्यूनोथेरेपी के लिए यूजफुल है और किस सेटिंग में टेस्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों, PD-L1 एक स्पेशल तरह का टेस्ट होता है जो ट्यूमर के टुकड़े पे किया जाता है और हमें वो बताता है कि ट्यूमर का इम्यून सिस्टम से इंट्रैक्शन इस समय कैसा चल रहा है, कितने इम्यून सेल ट्यूमर के आसपास अवेलेबल है और जिनमें ये रिसेप्टर एक्टिवेटेड या इनएक्टिवेटेड है।
तो पीडीएल1 एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिसका पर्टिकुलर कंडीशन में यूटिलाइजेशन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लंग कैंसर की बात करें तो पीडीएल1 हमें बताता है कि यदि इस पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दे तो इम्यूनोथेरेपी का असर आने का कितना बेनिफिट है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि पीडीएल1 एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है। किसी का पीडीएल1 यदि 100% है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इम्यूनोथेरेपी पक्का काम करेगी, और किसी का पीडीएल1 0% है इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें इम्यूनोथेरेपी काम नहीं करेगी। तो पीडीएल1 एक बहुत ही न्यूएस्ट टेस्ट है, बहुत सारी अदर टेस्ट की कॉम्बिनेशन में इसको इंटरप्रेट किया जाता है और ये एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है। तो पीडीएल1 का टेस्ट आपको अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही केयरफुली कराना चाहिए और उनसे इंटरप्रेट कराना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप पूछ सकते हो ये है कि क्या हर पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी से फायदा होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया, इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करती, कुछ पेशेंट में काम करती है कुछ पेशेंट में नहीं काम करती है। कुछ टेस्ट अवेलेबल है जो हमको गाइड कर सकते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के काम करने का चांस कितना है, पर वो टेस्ट को इंटरप्रेट करना मुश्किल है और वो टेस्ट भी परफेक्ट नहीं है। तो एज ऑफ टुडे कुछ टेस्ट और पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और पेशेंट के जेनेटिक्स को कंबाइन करके हम पेशेंट को एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कि उसमें इम्यूनोथेरेपी काम करने का कितना चांस है। पर इम्यूनोथेरेपी एक परफेक्ट टेस्ट नहीं है और इसे परफेक्ट ट्रीटमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। कुछ पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी काम करेगी और उनमें उसका बहुत ही लंबा बेनिफिट और अच्छा बेनिफिट रहेगा, पर ऐसे पेशेंट के लिए इसमें इम्यूनोथेरेपी बिल्कुल काम नहीं करती। आपको इम्यूनोथेरेपी के काम करने की प्रोबेबिलिटी के लिए एक अच्छे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से अपना पर्टिकुलर केस डिस्कस करना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पेशेंट पूछते हैं कि वो ये है कि इम्यूनोथेरेपी को कीमो के साथ लेना चाहिए या कीमो के बिना लेना चाहिए। तो लंग कैंसर में कॉमनली पेशेंट आके ये डिस्कस करते हैं कि उन्हें इम्यूनो वर्सेस इम्यूनो कीमो का ऑप्शन दिया गया है, तो वो इसका मतलब क्या है। तो बेसिकली क्या है कि अभी जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी हर पेशेंट में काम नहीं करती तो इम्यूनोथेरेपी देने के बहुत सारे तरीके हैं। इम्यूनोथेरेपी को एज अ सिंगल ड्रग दिया जा सकता है, इम्यूनोथेरेपी को कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है, या फिर इम्यूनोथेरेपी नहीं भी दे सकते यानी सिर्फ कीमोथेरेपी दिया जा सकता है। और किस पेशेंट में क्या थेरेपी यूज करना है वो उसके ट्यूमर, उसकी सेटिंग, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, फिटनेस और जीनोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होती है। कुछ पेशेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी अलोन है, कुछ पेशेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट इम्यूनो विद कीमोथेरेपी है, और कुछ पेशेंट में इम्यूनो का फायदा नहीं है तो उसमें कीमोथेरेपी अलोन का ऑप्शन भी है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी लंग कैंसर पेशेंट केयरफुली अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एज पर देयर सेटिंग, यदि वो इम्यूनोथेरेपी लेते भी है तो उसको राइट तरीके से राइट सेटिंग में लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कॉमनली पूछा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी का कॉस्ट या खर्चा क्या होता है। तो दोस्तों एज ऑफ टुडे यानी 2021 इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स मेनली पेटेंटेड ड्रग्स है जो कि अमेरिका या यूरोप से इम्पोर्ट किए जाते हैं। तो इन महंगे ड्रग्स की इन मेन प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि इन ड्रग्स को एक ही कंपनी बनाती है इसीलिए इनका कॉस्ट इस समय बहुत ज्यादा है। यदि हम एमआरपी की बात करें कि ड्रग का एमआरपी कितना है तो लाखों पर मंथ का यूजुअली कॉस्ट होता है इम्यूनोथेरेपी का। परंतु इम्पोर्टेंट है कि इन ड्रग्स के कॉस्ट को कई तरीके से कम किया जा सकता है। तो मैं आपको चार तरीके बताऊंगा जिनसे इन ड्रग्स का कॉस्ट कम किया जा सकता है ताकि हर पेशेंट ये ड्रग्स को एक्सेस कर सके। नंबर वन, इन ड्रग्स में कंपनी पेशेंट सपोर्ट या पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम देती है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को कुछ ड्रग के साथ कुछ ड्रग फ्री दिया जा सकता है, या एक साइकिल के बाद दो साइकिल फ्री दी जा सकती है जिससे कि पर साइकिल कॉस्ट कम किया जा सकता है। तो अपने डॉक्टर से जब आप इम्यूनोथेरेपी ले तो हमेशा इन पेशेंट सपोर्ट या पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम को एक्सप्लोर करें। नंबर टू, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनका डोज रिड्यूस करके सिमिलर एफिकेसी से उनको दिया जा सकता है, और चूंकि दवाई का कॉस्ट पर मिलीग्राम है इसलिए कम डोज से सेम इम्यूनोथेरेपी देके आप कॉस्ट को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। यदि पेशेंट फुल डोज इम्यूनोथेरेपी एडजस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता तो कम डोज की इम्यूनोथेरेपी देके उसका कॉस्ट सेव किया जा सकता है। नंबर थ्री, फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड इम्यूनोथेरेपी। तो क्या होता है कि कुछ इम्यूनोथेरेपीज ऐसी है जिनको हर 2 हफ्ते या हर 3 हफ्ते के बजाय और एक्सटेंडेड फ्रीक्वेंसी पे दिया जा सकता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये हर कैंसर में पॉसिबल नहीं है, हर ट्यूमर में पॉसिबल नहीं है और हर पेशेंट में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सिलेक्टेड पेशेंट में ये पॉसिबल है कि इम्यूनोथेरेपी की फ्रीक्वेंसी को एक्सटेंड करके कॉस्ट को आप हाफ कर सकते हैं, यानी जो दवाई आपको हर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते लगनी है उसको आप एक्सटेंड करके हर 4 हफ्ते या 6 हफ्ते लगा के खर्चे को आप कम कर सकते हैं। तो जब भी आप इम्यूनोथेरेपी ले आप अपने डॉक्टर से ये ऑप्शन का भी डिस्कशन जरूर करें। और फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट, कई कैंसर में वेरियस रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल्स अवेलेबल है जिसमें ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप स्क्रीन पर डिस्प्लेड लिंक से आप हमारे इम्यूनोथेरेपी क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में जान सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हमारे पेशेंट्स
वर्ल्ड की लेटेस्ट और बेस्ट इम्यूनोथेरेपीज और टारगेटेड थेरेपीज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं और क्लिनिकल स्टडीज के बारे में जान सकते हैं। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि यदि उनके पास ऑप्शन है तो उन्हें क्लिनिकल स्टडी ज्वाइन करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि क्लिनिकल स्टडी में सारा इलाज एब्सोल्युटली 100% फ्री होता है। तो लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इम्यूनोथेरेपी के रिस्क क्या, डेंजर क्या है। तो दोस्तों, इम्यूनोथेरेपी के दो तरह के रिस्क होते हैं। नंबर वन है दवाई का काम ना करना। तो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि इम्यूनोथेरेपी जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसको आप इम्यूनोथेरेपी दोगे उसमें 100% इम्यूनोथेरेपी काम करेगी। इसका प्रोबेबिलिटी होता है कि इम्यूनोथेरेपी काम करने का चांस कितना है, और इम्पोर्टेंट ये है कि सिर्फ उन्हीं पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देनी चाहिए जिसमें ड्रग के काम करने का रीजनेबल प्रोबेबिलिटी हो। क्योंकि यदि आप पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी दे रहे हैं जबकि उसको दूसरी थेरेपी से ज्यादा बेनिफिट है, अब बेसिकली पेशेंट को एक इनइफेक्टिव थेरेपी दे रहे हैं और हो सकता है कि पेशेंट की हेल्थ इतनी डिटेरियरेट हो जाए कि आप अगली थेरेपी दे ही ना पाए। तो ऑलवेज किसी भी डिसीजन पॉइंट पर डॉक्टर से केयरफुली डिस्कस करके उसको वही थेरेपी देनी चाहिए जिसका बेनिफिट मैक्सिमम और रिस्क मिनिमम है। नंबर टू होता है इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इम्यूनोथेरेपी के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, क्योंकि यदि हम इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हैं तो कभी कभी ट्यूमर सेल के अलावा वो बॉडी के नॉर्मल ऑर्गन जैसे कि लिवर, कोलन, आंत, स्किन, हार्ट, दिमाग, नर्व एक्सेट्रा में भी इफेक्ट कर सकता है। तो हालांकि इम्यूनोथेरेपी में सीरियस साइड इफेक्ट अनकॉमन होते हैं, तब भी ये देखा गया है कि इम्यूनोथेरेपी से अराउंड 5% पेशेंट को सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसी कोई ये भी एक मिथ है कि इम्यूनोथेरेपी एक बिल्कुल प्योर और सेफ थेरेपी है जिससे पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अराउंड 5% पेशेंट को सीरियस साइड इफेक्ट या हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, एंड अराउंड 1% पेशेंट की इम्यूनोथेरेपी से डेथ भी हो सकती है। तो ऑलवेज जब भी आप इम्यूनोथेरेपी ले, ये इंश्योर करिए कि एक क्वालिफाइड ट्रेंड एक्सपर्ट डॉक्टर से आप इम्यूनोथेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा क्वालिफाइड मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट ही आपको सही तरीके से दवाई दे सकता है और आपको उन प्रिकॉशंस को समझा सकता है और उन चीजों को मैनेज कर सकता है जिससे कि आपको साइड इफेक्ट का चांस मिनिमम हो, और कोई साइड इफेक्ट भी हो तो उसको टाइम से मैनेज किया जा सकता है ताकि पेशेंट को कोई सीरियस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम या डेथ ना हो। तो इम्यूनोथेरेपी चूंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, इसमें एक एक्सपीरियंस्ड मेडिकल ओंकोलॉजिस्ट का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया और आपने इम्यूनोथेरेपी लंग कैंसर के बारे में कुछ जाना। दोस्तों, हमारे चैनल का मिशन ये है कि इंडिया के हर कैंसर पेशेंट को उनकी भाषा में कैंसर के बारे में वो जानकारी दी जाए जो वर्ल्ड के बेस्ट अमेरिका और यूरोपियन कैंसर सेंटर्स पे हो रहा है, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और वर्ल्ड का बेस्ट ट्रीटमेंट खुद भी एक्सेस कर सके, ताकि उसका लंबे से लंबा आउटकम और क्योर का चांस मैक्सिमम हो। तो यदि आप इस मिशन में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और कैंसर के टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यदि इस वीडियो में कोई इशू है या कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया, इस पर आप और जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से या वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपने सवाल का जवाब जल्द से जल्द मिले। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।